हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है डॉग बैग प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। अगर आपके में भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम लग गया है तो फ्रेंड्स, ये कई बार अपने आप ही लग जाता है और या फिर किसी बच्चे की मदद से लग जाता है, मतलब किसी बच्चे लगा देते हैं, तो इन्हें कैसे तोड़ते हैं, इन्हें कैसे हटाते हैं वो बताऊँगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से इसे हटाते हैं। पूरे एंड तक देखना तो देख सकते हैं आप। यूज़ करना चाहिए पहले इन्हें, तब आप इसे हटा सकते हैं, वैसे नहीं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने के लिए टू फिंगर का इस्तेमाल करना है इस प्रकार से, एंड देख सकते हैं। और इसके बाद इस प्रकार स्लाइड हो रहा है। और अगर किसी ऐप को ओपन करना है तो एक बार क्लिक कर देंगे, और जो लड़की वाले को ऐसी प्रॉब्लम होता है इसमें, एक बार क्लिक हो जाता है जब निशान आ जाता है उसमें, और इसके बाद एक ही फिंगर से आपको जब निशान आ जाएगा उसके ऊपर, अगर निशान नहीं आता दोबारा क्लिक करें, और इसके बाद एक ही फिंगर से उस पर डबल टैप क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ओपन होगा, इसी प्रकार से होम कर देंगे। एक बार क्लिक हो गया, निशान आ गया, उसके बाद एक ही फिंगर से आपको उस पर डबल टैप क्लिक करके इसे होम कर देना है, और इसी प्रकार स्लाइड होता है। तो स्क्रीन लॉक पे भी लगा होगा ये आपके, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं स्क्रीन लॉक पे भी लगा हुआ था। एक फिंगर स्लाइड नहीं हो रहा, टू फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। जो भी ऐप लॉक लगा रखे, मतलब स्क्रीन लॉक होता है, एक ही बार ड्रॉ करने पे ही आपका ओपन हो जाता है। एंड देख सकते हैं थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब देख सकते हैं ओपन हो चुका है, और इसे होम कर देंगे जो ओपन हो रखा था ये। और इसके बाद देख सकते हैं अब ये हो गया, यूज़ करना था ये। अब इसे हटाते कैसे आइए शुरू करते। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करें, एक बार क्लिक हो गया निशान आ गया, उसके बाद आप इस पर डबल टैप क्लिक कर देंगे और ये सेटिंग ऐप ओपन हो गया। और इसके बाद इस प्रकार स्लाइड होगा, एक फिंगर से नहीं होगा, टू फिंगर का इस्तेमाल करेंगे स्लाइड करने के लिए। एंड इसके बाद आपका एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, एक बार क्लिक हो गया इसके बाद आपको उस पर डबल टैप क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है लैंग्वेज इनपुट रीजन इन सब का ऑप्शन, तो फ्रेंड्स आप एसेसिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। एक बार क्लिक हो गया इसके बाद आपको डबल टैप क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। एक बार क्लिक हो गया इसके बाद उसी पे एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक करेंगे, वर्जन पे क्लिक कर देंगे एंड टॉप वेब पे क्लिक करेंगे। एक ही बार क्लिक हो गया इसके बाद निशान आ जाएगा, तब एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। फिर पहले से निशान आए तो उसी पे डबल टैप क्लिक कर देंगे, स्टॉप पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपका टॉप वेब ऑफ हो जाता है। देख सकते हैं एक बार क्लिक करने के बाद डबल टैप क्लिक करना होता है, और ये इन्फॉर्मेशन है तो इसे पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आप अपनी फ़ोन में टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार।